बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ डिजीजेस है। ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब हम जानवर जब बीमार हो जाते हैं तो उनकी बीमारी के दौरान हमने उनको ट्रीट कैसे करना है, ये उस हवाले से है। या अगर हमने बीमारी, मिसाल के तौर पे बीमारी से बचाना कैसे है, प्रिवेंशन कैसे करनी है, उसका कंट्रोल कैसे करना है उस बीमारी से, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज के इस टॉपिक में डिस्कस होंगी। हमारा आज का जो टॉपिक है इसमें ये तो मैं नहीं सिखाऊंगा कि जी क्या ट्रीटमेंट देना है, आपने जानवरों को ट्रीटमेंट किस तरह करना है ये तो नहीं मैं बताऊंगा, क्योंकि आई एम नॉट अ वेटनेरियन और ना ही मैं प्रैक्टिशनर हूं, ना मुझे मेरे पास कोई लाइसेंस है। इसलिए पढ़ाने की हद तक तो मैं आपको चीज़ें बता सकता हूं कि हाउ टू प्रिवेंट द डिजीजेज, हाउ टू कंट्रोल द डिजीजेज, सो और जितनी भी स्ट्रेटजीज इसमें यूज़ होंगी वो सारी आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। इसमें अभी एक फाइल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसमें जल्द ही आपका जो है यस दिस वन, ये फाइल जो है वो शेयर हो रही है आपके साथ। सो ये मेरे पास एक बुक का चैप्टर है जिसमें हम लोग डिफरेंट जो डिजीज़ हैं उनकी जो कंट्रोल, इरेडिकेशन और प्रिवेंशन की जो स्ट्रेटजीज हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली होता ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिवेंशन डिजीज, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजीज विदाउट देयर अक्रेंस दे आर नॉट, द डिजीज आर नॉट ट्रीटेड, यानी बीमारी आने से पहले उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। इंस्टेड वी डू वैक्सीनेशन और वी यूज प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड द अक्रेंस ऑफ डिफरेंट डिजीज इन आवर एनिमल्स। सो दिस लेवल ऑफ आई मीन द प्रिंसिपल और मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इज नोन एज प्रिवेंशन, try to avoid the occurrence of the disease in our animals. So first step is prevention. So most of the time we may have heard that prevention is better than cure. So prevention mean ehtiyat, ehtiyat ilaaj se behtar hai, to yani itni ehtiyat karein ki bhi ilaaj ki zarurat hi na pade, bimari aaye hi na। तो हमारा जो बेसिकली मैं बीइंग एनिमल हस्बेंड्री और एनिमल साइंटिस्ट, इट इज़ आवर ड्यूटी टू मैनेज द फ्लॉक और एनिमल्स इन अ वे दैट द डिजीज कैन नॉट अकर इन द हर्ब्स इन आवर फ्लॉक्स। सो प्रिवेंशन इज द फर्स्ट स्ट्रेटजी and prevention is mostly done in the case of endemic diseases, and I don't think so that I need to define endemic disease. So endemic diseases ki jo control hai ya unko hum prevent kar sakte hain। uske baad aati hai control ka level jo hai, ye aapko ye pyramid jo hai wo nazar aa rahi hogi, iska matlab ye hai ki jab disease aa jati hai तो फिर उसको कंट्रोल कैसे करना है। अब डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ी जो स्ट्रेटजी है वो है ट्रीटमेंट। मिसाल के तौर पे कोई एक और बात मज़े की मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन आता है या डिजीज़ आती है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल की उसकी कोई स्ट्रेटजी प्रॉपर नहीं है, यानी उसकी प्रिवेंशन ही है। यानी कि हम एनिमल्स को सिर्फ वैक्सीनेट करेंगे, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, वायरल डिजीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो कंट्रोल उस वक्त होता है जब डिजीज़ आ जाती है, तो उसमें अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं, फंगल हैं या इस तरह की कुछ इन्फेक्शन है, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन हैं, तो इन दोज केसेस वी कंट्रोल द डिजीज़। बट बिफोर द अकरेंस ऑफ द डिजीज़ वी डू नॉट ट्रीट आवर एनिमल्स, वी सिंपली एडमिनिस्टर वैक्सीन्स for different viral diseases. So second step is control, and most of the diseases which are zoonotic in nature, they are treated so that these diseases could not be transmitted from one animal to another animal or from one herd from one herd to another herd. तो उसके बाद हमारा जो
थर्ड लेवल ऑफ ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज है इन्फेक्शियस एनिमल डिजीजेज से रिलेटेड, दैट इज इरेडिकेशन. एंड इरेडिकेशन मीन्स के हम किसी डिजीज को बिल्कुल सिरे से ही ख़त्म कर दें, इतनी उसकी प्रिवेंशन कही जाए कि उसको या इसको इस तरीके से कंट्रोल किया जाए कि वो ख़त्म हो जाए और दोबारा वो इस इलाके के अंदर हो ही ना. सो सच काइंड ऑफ जो स्ट्रेटजी इज़ यूज फॉर द इरेडिकेशन ऑफ डिजीजेज. तो मेजर एपिजोटिक लिस्टेड डिजीजेज आर शुड बी इरेडिकेटेड फ्रॉम एनी कंट्री और एनी रीजन. इरेडिकेशन मीन्स that this country is free from that. For example, in human, I would give a very latest example, like polio, that we are doing the vaccination of our youth, of our kids up to 5 to 7 years of age. And we are trying to prevent that this disease doesn't happen or occur in our population, human population. So almost we are going to reach the status of polio free country, and that was before we were also having this title polio free country, but previously some of the polio cases were reported. That is why we had to do some intense sort of vaccination in our human population so that we could avoid or we could eradicate this disease completely. So these are three different levels for the control, prevention, and eradication of different infectious diseases in livestock and wildlife. There is one definition I want to share with you. Here it is mentioned, baseline or endemic. Baseline or endemic means the amount of a particular disease that is usually present in a community. So the baseline level is always regarded as the expected level of the disorder. Or I would again define it in different words, the constant presence or usual prevalence of a disease or infectious agent in a population within a geographic area is known as endemic. Or endemic ka matlab ye hai ki ye khas area ki ye disease hai, jahan par jahan ke jitne animals hain unme ye bimari ke jarasim to maujood hain. Causal organism or pathogens are present in the body, but this disease is limited to a specific area, specific locality, and is under control. So this is a endemic disease. So further, if we we read this manuscript, we can I will be sharing with you the basic requirements for prevention and control of the diseases. First, very important step in this prevention and control is correct diagnosis and appropriate scientific skill. Diagnosis of the disease is a very basic thing in order to control and eradicate such a disease. So our veterinarians or our personnel who are dealing with disease control, they should be trained in a way that they should diagnose the disease correctly, and they must be equipped with appropriate scientific skill so that they could diagnose it properly and treat it correctly. This is the first basic requirement for prevention and control. Second factor in this regarding this control and prevention of the disease is recording of disease occurrence. पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि रिकॉर्डिंग जो है ऑफ फार्म रिकॉर्ड इज नॉट अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस. हमारे यहाँ पे फार्मर जो हैं वो इस चीज़ का रिकॉर्ड इन चीज़ों का रखते हैं कि ये डिजीज़ होनी है कि हुई है या नहीं हुई. तो इसको हम कहते हैं सर्वेलेंस. मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस ऑफ डिजीज अक्रेंस शुड बी established. ये सिस्टम होना चाहिए कि भाई फलां जगह पे फलां जानवरों में फलां नस्ल के अंदर ये जो नाम ये डिजीज आ गई है. तो वो रिकॉर्डिंग ऑफ डिजीज अक्रेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इफ वी वांट टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल अ स्पेसिफिक डिजीज इन अ स्पेसिफिक जियोलॉजिकल जियोग्राफिकल एरिया. सो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर prevention and control
are present. For example, the concept of prevention, especially, is prevention of infections can be achieved by protecting the target animal from exposure to infectious doses of the pathogenic microbe. एक बात ध्यान में रखें कि कोई भी पैथोजेनिक माइक्रोब है वो एनिमल की होस्ट की बॉडी में मौजूद है और उस वक्त तक वो नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक कि उसका जो एक थ्रेशोल्ड लेवल है पॉपुलेशन का वो इतना ना बढ़ जाए कि वो डिजीज़ काज कर दे. मौजूद तो है तो इसको एक ये स्ट्रेटजी है कि हम उसको बढ़ने ही ना दें, सफाई का इतना ख्याल रखें. आल्दो कि वो जानवर के अंदर मौजूद है या एनवायरनमेंट में मौजूद है लेकिन वो डिजीज़ काज नहीं कर पा रहा, तो इसको हम कह सकते हैं कि टोटल एक्सक्लूजन फ्रॉम एक्सपोयर इज नोन एज इरेडिकेशन. अगर हम किसी भी और अगर किसी जानवर के अंदर वो जरासीम पाया नहीं जाता, कम्प्लीटली टोटली एक्सक्लूड किया जा सकता है एक्सपोयर से, इरेडिकेशन उसकी हो सकती है, तो इसको हम इरेडिकेशन कहेंगे. लेकिन प्रिवेंशन जो है वो उससे टोटली डिफरेंट है, उसको हम कहते हैं पार्शियल एक्सक्लूजन फ्रॉम एक्सपोयर. यानी जानवरों के अंदर मौजूद तो रहता है लेकिन हम उसको डिफरेंट स्ट्रेटजीज के ज़रिए से, मसलन उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रख के, या अगर कोई जानवर बीमार होता है तो उसको सबसे अलहदा करके, या सिक एनिमल्स को किसी भी हर्ड में लेके आने आने से अगर बचाया जाए, और या फिर हम जो ब्रीडिंग के लिए जो लाइव एनिमल्स यूज़ करते हैं उनकी जगह पर हम सीमन या एम्ब्रियोज को ही डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करवा दें, या फिर एंटीमाइक्रोबियल्स का इस्तेमाल करें विच इज़ नॉट हाईली रिकमेंडेड, तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद जो है वी कैन अचीव द लेवल ऑफ प्रिवेंशन और हम डिजीज़ से अपने जानवरों को जो है वो बचा सकते हैं. और ये बड़ी अहम एक चीज़ है कि हमने जानवरों को किस तरह बीमारी से बचाना है. अब होस्ट, इसमें एक रेजिस्टेंस का आपने लफ्ज़ सुना होगा कि जानवर बड़े जनाब वो हो गए हैं, किस तरीके से वो जो जानवर हैं जनाब रेजिस्टेंस उनमें आ गई, वो कुव्वत मुदाफ़त जो है वो ख़त्म हो गई है. इसका मतलब ये कि आपने इतना ट्रीटमेंट दिया है, इतनी दवाइयाँ दी हैं कि अब जानवर पे कोई दवाई असर ही नहीं कर रही. या मैं इसको सादा अल्फाज में कहूँ दैट कि पैथोजेनिक माइक्रोब हैज़ बिकम रेजिस्टेंट अगेंस्ट दीज एंटी माइक्रोबियल्स और दीज ट्रीटमेंट्स, एंड दिस इज़ द स्टेज वेयर एनिमल्स get develop the level of resistance. So measures to minimize the transmission of the disease from one herd or from one animal to another animal. First measure to minimize the transmission of disease is quarantine and isolation. आजकल आपने देखा है कि जिस तरह क्वारंटाइन की फैसिलिटीज जैसे COVID-19 में हुई हैं, इसी तरह हम जानवरों के बारे में शुरू से कह रहे हैं भाई जब एक प्रोविंस से एक शहर से दूसरे शहर में जाएं तो वहाँ उसकी क्वारंटाइन करें, लेकिन ऐसा नहीं होता और उनको आइसोलेट करके नहीं रखा जाता और क्वारंटाइन पीरियड नॉर्मली 14 डेज का होता है. फिर ये सबसे अहम इसकी जो एक जो फैक्टर है वो ये है. फिर मुख्तलिफ जाहिर है कि उसके कह सकते हैं कि लेवल पे इनकी जो डिज़ीज़ की डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर इनकी इन्फेक्शन होते हैं, मिसाल के तौर पे कुछ ब्लड के अंदर होते हैं, कुछ जनाब रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है. तो एक इसमें एक और भी है कि वेक्टर कंट्रोल भी किया जाए, ये एक और इसमें बड़ा अहम है. और जैसे कि जानवरों के अंदर जो मिल्क फीवर की बीमारी है वो एक पैरासिटिक मतलब डिजीज़ है, या ये तो उसके लिए वैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जो हाउस फ्लाई है वो भी एक वेक्टर के तौर पे, तो इसको भी रिमूव करना चाहिए. तो ये एक और इसके अंदर मिनिमाइज़ करने के लिए जो स्ट्रेटजी है. और इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीनेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज द डिजीज़ ट्रांसमिशन फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर और वन एरिया टू अनदर एरिया और फ्रॉम वन फ्लॉक टू अनदर फ्लॉक. सो दीज आर डिफरेंट पॉइंट्स विच वी मस्ट कीप इन माइंड while controlling, while we adopt the prevention, we are preventive measures, and therefore, ultimately, if we prevent our animals from getting sick against different diseases, or we control the disease when it occurs in animals, we can eradicate these diseases from a specific location. So, these were today's some basic information regarding the principles of
treatment, prevention and control of diseases in livestock species. Thank you very much. Assalamu alaikum.